वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम सीक्रेट, इट्स मी आरती शर्मा। और आज की जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको लाइनर लगाना बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, हर गर्ल को, हर लड़की को, हर लेडीज को अलग अलग मेकअप में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बिना वो रह नहीं सकती। जैसे मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है, मैं बिना काजल के रह नहीं सकती। तो इसी तरीके से आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें लाइनर लगाना बहुत पसंद है। कई बार ऐसा होता है आप कहीं जा रहे हो और आपका जो लाइनर है वो खत्म हो गया है, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? बहुत टेंशन हो जाती है क्योंकि आपको लाइनर लगाना बहुत पसंद है, आपको की जो आंखें हैं वो बिना लाइनर के अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको वही टिप्स बताने वाली हूं कि जब आपके पास लाइनर खत्म हो जाए, आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो आप लाइनर की तरह उसे यूज कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है और उसके बाद आप मेरा मुझे जरूर थैंक्स बोलोगे कि आपने हमारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब आते हैं अपनी वीडियो पे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर आपके पास स्टिक काजल है, आप कोई सा भी काजल लगाते हो, लैक्मे का, मेबलिन का, आपको जो सूट करता है आपकी आईज पे आप उस काजल का यूज करते हैं, बट वो स्टिक वाली होनी चाहिए। और अगर आपके पास स्टिक वाली काजल नहीं है, नॉर्मल जो डिब्बियों में आती है वो वाली काजल है, तो उसके लिए आपको ब्रश का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, काजल को इस तरीके से ओपन करना है और फिर उसके बाद अपनी आईज को स्ट्रेच करना है और लाइनर की तरह इसे लगाना है। मेरी दोनों आंखों पे लाइनर लग चुका है, मैंने काजल से लाइनर लगा लिया है अपनी आंखों पे। अब आप सोचेंगे कि ये तो मर्ज हो जाएगा, ये फैल जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो लेना है ये ईयरबड और फिर उसके बाद लेना है ये टैल्कम पाउडर। आप कोई सा भी टैल्कम पाउडर यूज कर सकते हैं और फिर उसके बाद ईयरबड को डिप करना है इस पाउडर पे और फिर जो आपका जहां लाइनर लगाया है वहां पे इसको डैप करना है। रगड़ना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें, बिल्कुल भी ना रगड़े। इससे क्या होता है, जो आपका काजल है और फिर उसके बाद फिंगर से इसे डैप करना है। अगेन इस वाली आईज पे भी मैं ऐसे ही करूंगी। आप देखेंगे कि जो आपका लाइनर है वो एटलीस्ट 10-12 घंटे के लिए तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, लेकिन हाँ, लेकिन 2-3 घंटे के लिए आपका जो ये लाइनर है, काजल का लाइनर, वो 2-3 घंटे के लिए लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। मैं आपको अपने ये लाइनर को डैप करके दिखाती हूँ, देखो बिल्कुल भी लाइनर फैला नहीं है। तो ये था आज का ट्रिक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।